वेलकम स्टूडेंट। देखिए, मैंने आपको पहले कैपेसिटर के थ्योरी के बारे में कुछ डिस्कस किया था। कैपेसिटर क्या होता है, किस तरह से काम करता है, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। हमने ये भी सीख लिया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाता है। साथ साथ हमने सीखा था सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। हम किस तरह से सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, हमने ये भी सीखा था। आज का हमारा पूरा लेक्चर कैपेसिटर से कंसर्न प्रॉब्लम्स, कितने टाइप के प्रॉब्लम फ्रेम होंगे, उन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। देखिए, कैपेसिटर पर पहले टाइप के जो प्रॉब्लम होंगे वो प्रॉब्लम होंगे सिंपल बेस्ड, डेफिनेशन बेस्ड, क्यू इक्वल टू सी वी, सिंपल डेफिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम होंगे। इस पर सेकंड टाइप के प्रॉब्लम जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे सीरीज, पैरेलल, उसके बाद मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के साथ साथ कैपेसिटर पर चार्ज निकालना, चार्ज के साथ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ साथ आपको कई बार ऐसा बोला जाएगा चार्ज डिवीजन रूल एंड वोल्टेज डिवीजन, इस पर बेस्ड हमें प्रॉब्लम मिलने वाले। फिर हमें आगे चल के इनफाइनाइट कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम देखने होंगे। मतलब बहुत सारे जब इनफाइनाइट कैपेसिटर्स कनेक्ट हो, मल्टीपल कैपेसिटर कनेक्ट हो, तो किस तरह से उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला जाए। फिर हम बड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट को भी देखेंगे, जिसमें हम ये सीखेंगे कि कैपेसिटर में ब्रिज कंडीशन क्या होती है। ब्रिज कंडीशन का मतलब हुआ जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, उसी तरह कैपेसिटर में भी ब्रिज कंडीशन डेवलप होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटर और उन पर बेस्ड प्रॉब्लम की। आपको एक प्रॉब्लम ऐसा कहा गया है, इस प्रॉब्लम में ऐसा बताया गया है कि आपके पास में एक कैपेसिटर है देखिए, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 × 10^12, एक कंडक्टर है और दूसरा कंडक्टर है, ये कंडक्टर ए और ये कंडक्टर बी है। जब एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो अपीयर होता है वो 10 वोल्ट का अपीयर होता है। तो आपको ये बताना है कि इस सिस्टम का कैपेसिटेंस कितना होगा। वापस सुनिएगा, मान लीजिए आपके पास कंडक्टर ए है और दूसरा कंडक्टर बी है। कंडक्टर ए से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए और कितने इलेक्ट्रॉन निकले, तो 10^12 इलेक्ट्रॉन निकले। ये इलेक्ट्रॉन निकलकर बी में चले गए, तो आपको बताना है अगर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में 10 वोल्ट हो तो कितना कैपेसिटेंस डेवलप होगा। तो Q इक्वल टू सी वी, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल से आप जानते हैं Q इक्वल टू NV, NV इक्वल टू CV। तो C सीधा लिखा जा सकता है आपके पास में NE अपॉन कैपिटल V। अच्छा, N कितना है, तो 1.6 × 10^-19, और E कितना है, देखिए N कितना दे रखा है आपको, 10^12 दे रखा है आपको, और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो 10 है। तो C इक्वल टू आ गया 1.6 × 10^-19 × 10^11। 1.6 × 10^12, ये आप देख सकते हैं −8 farad, इसे ऐसा कहा जा सकता है। अब एक प्रॉब्लम और कहा गया आपको, उसमें ऐसा बताया गया है सेकंड प्रॉब्लम में, द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर द मेड ऑफ सर्कुलर रेडियाई। सर्कुलर डिस्क जिनकी रेडियाई आपको दे रखी है आर इक्वल टू 5 cm ईच। अब उन्हें कहा है कि सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज 1 mm, 1 mm सेपरेशन अगर हो तो आपको इनका कैपेसिटेंस बताना है। देखिए, जब भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। नाउ C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी में A होता है एरिया, एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 × 10^-12, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और सेपरेशन आपके पास 1 mm, मतलब 10^-3 m। सो यहां पर R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 cm। सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज कर लेना, 10^2 m, तो R की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपको इसे मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करके आंसर बताना है। देखिए,
आपको ये सिंपल डेफिनेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम दिख रहे हैं जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, आगे चल के आपको ऐसे प्रॉब्लम मिलने वाले हैं जिनमें डायरेक्ट फॉर्मूला का एप्लीकेशन नहीं होने वाला है। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो आपको कहा गया है, हमें 1 फैरड का कैपेसिटर कंस्ट्रक्ट करना है, कैपेसिटेंस दे रखा है 1 फैरड, और कहा गया है सर्कुलर डिस्क यूज करना है आपको। जब सर्कुलर डिस्क यूज करना है, इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस आर है, कंस्ट्रक्शन करते समय दोनों को 1 मिलीमीटर सेपरेशन पे रखा गया है, 1 mm सेपरेशन, दैट इज डी इक्वल टू 10^-3 मीटर। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ डिस्क, तो रेडियस ऑफ डिस्क कितना होगा? तो देखिए सी क्या कहा गया क्वेश्चन, एक बार फिर समझिएगा भाई। आपके पास 2 सर्कुलर डिस्क हैं, उन डिस्क की मदद से आपको एक कैपेसिटर बनाना है, उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 फैरड अवेलेबल है। तो आपको कैपेसिटेंस का 1 फैरड अगर अवेलेबल हो तो ये रेडियस कितनी होगी ये बताना है। तो देखो सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब यहां पे सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी पर हमें सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन डी। अब यहां से क्या होगा, सो आर स्क्वायर दैट विल बिकम सी डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट पाई, सो आर दैट विल बिकम सी डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट पाई। तो ये आपके पास में आर की वैल्यू हो जाती है अंडर रूट सी डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट पाई। तो आप यहां पर वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, सी 1 फैरड, सेपरेशन 1 मिलीमीटर, 10^-3 मीटर, पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7, और एप्सिलॉन नॉट 8.85, 10^-12। तो इस तरह से आपको इसका आंसर मिलने वाला है। देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आपको एरिया दिया हुआ है, एरिया दे रखा है 25 cm² एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज गिवन, द सेपरेशन डी इक्वल टू 1 मिलीमीटर आपको सेपरेशन गिवन है। आगे क्या बोल रहा है वो, इसे कनेक्ट किया गया है 6 वोल्ट की बैटरी से, 6 वोल्ट की बैटरी आपको दी गई जिससे इसका कनेक्शन किया गया है। तो कितना चार्ज इसमें फ्लो हुआ होगा और बैटरी को वर्क डन कितना करना पड़ा होगा ये आपको बताना है। भाई कहने का मीनिंग क्या है, भाई कैपेसिटर की एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज, बराबर। आपने इसकी एक प्लेट, ये वाला पॉइंट आपने इसको कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ, कनेक्ट करने के बाद ये पॉजिटिव, ये आपके पास में नेगेटिव, बराबर। तो आपने जब सेल या बैटरी लगाया तो सेल या बैटरी को कितना वर्क करना पड़ा ये आपको निकालना है, और चार्ज कितना फ्लो हुआ गया निकालना है। तो Q इक्वल टू आप जानते हैं CV होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एप्सिलॉन नॉट है अपॉन डी मल्टीप्लाई बाय V होता है। तो यहां पर देखो एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10^-12, ए कितना है 25 cm², दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है तो 1 मिलीमीटर सेपरेशन है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है तो ये 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आ चुका है। अब देखिए बैटरी को वर्क कितना करना पड़ा, तो V इक्वल टू W बाय Q, तो W इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाय V, Q इक्वल टू CV इंटू C, तो ये हो गया CV स्क्वायर, तो C है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V स्क्वायर। अब चेक करो ध्यान से, एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10^-12, एरिया की बात करें तो 25 cm², दोनों के बीच में सेपरेशन की बात करें तो वापस चेक कीजिएगा 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर तो मिलीमीटर को आप चेंज करना 10^-3 मीटर, और आपके पास एरिया जो है 25 cm². अच्छा 1 cm कितना होता है, तो ये होता है 10^-2 स्क्वायर, तो ए आ गया आपके पास 25 × 10^-4 मीटर², ये आ चुका है आपके पास में एरिया। वैल्यू पुट अप करेंगे और इस तरह से हमको इसके आंसर्स मिलने वाले हैं। देखो अभी हमने ये देखा कि हमने जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किया है अभी तक उसमें ऐसा कुछ मतलब बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं अवेलेबल है, जो भी है सब सिंपल फॉर्मूला पे बेस्ड है, और Q इक्वल टू CV, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, भाई एरिया चेंज कर सकता है वो, एरिया किसी रेक्टेंगुलर प्लेट को ले सकता है, स्क्वायर प्लेट को ले सकता है, डिस्क को ले सकता है, या कोई अदर प्लेट को ले सकता है। आइएगा ध्यान से एक और क्वेश्चन पढ़िएगा समझिएगा, आपके पास में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ऐसा कहा गया है कि इसका एरिया है 25 cm²,
और सेपरेशन दोनों प्लेट के बीच का जो अवेलेबल है वो सेपरेशन 1 मिलीमीटर सेपरेशन है, 2 मिलीमीटर सेपरेशन है, यहां पर ऐसा कहा गया है। हमने इसके अक्रॉस 12 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट कर दिया। फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, द प्लेट सेपरेशन डिक्रीज्ड टू 1 मिलीमीटर। तो हमें पहला चार्ज निकालना है, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा, सेपरेशन डिक्रीज टू 1 मिलीमीटर, मतलब अगर सेपरेशन पहले जो कि 2 मिलीमीटर था, इसको अगर आपने कम कर दिया और सेपरेशन 1 मिलीमीटर कर दिया, तब आपको ये बताना है फाइंड द एक्स्ट्रा चार्ज गिवन बाय द बैटरी टू द पॉजिटिव प्लेट। एक्स्ट्रा चार्ज गिवन बाय बैटरी ये D1 आपको वो दे रखा है शुरुआत में, दैट इज 2 मिलीमीटर। आइए समझते हैं पहले। पहले यहां पर हमने जब बैटरी के अक्रॉस या इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को हमने जब सेल या बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट किया तो क्या हुआ? तो फर्स्ट केस में चार्ज हुआ C1 मल्टीप्लाई बाय V, C1 है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 मल्टीप्लाई बाय V, ये आपके पास में चार्ज अवेलेबल है। अब देखो, सेपरेशन अगर आपने चेंज किया तो Q इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D से सेपरेशन कम करेंगे तो चार्ज बढ़ जाएगा। तब आपने सेपरेशन D2 सेपरेशन जब 1 मिलीमीटर कर दिया और D1 आपके पास में 2 मिलीमीटर था, तो आप बताओ 2 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर दोनों में से डेफिनेटली 2 मिलीमीटर बड़ा है। तो आपने क्या किया, आपने सेपरेशन को D2 से D1 कर दिया, मतलब डिक्रीमेंट कर दिया। सेपरेशन पे डिक्रीमेंट किया मतलब चार्ज इंक्रीमेंट हो गया, चार्ज इंक्रीज हो गया तो मैं कह सकता हूं Q2 इक्वल टू C2 मल्टीप्लाई बाय V। C2 कितना है भाई, एरिया तो चेंज नहीं किया, सेपरेशन चेंज किया। तो यहां से देखो Q2 और Q1, D2 और D1, देखना ध्यान से, सेपरेशन डिक्रीज किया तो चार्ज इंक्रीज हो गया, तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना सप्लाई हुआ, तो लार्जर माइनस स्मॉलर, तो डेल्टा Q2 कितना चेक करो, व्हाट इज द Q2? सो Q2 है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2 माइनस V एप्सिलॉन नॉट A V अपॉन D1, ये आपके पास सेपरेशन है। तो मैंने यहां से कॉमन निकाल लिया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन एप्सिलॉन नॉट A V 1 अपॉन D2 माइनस 1 अपॉन D1। सो 1 अपॉन D2 माइनस 1 अपॉन D1, तो D1 कितना है आपके पास में, सो द D1 इज हाँ शुरुआत में 2 मिलीमीटर और D2 कितना है आपके पास में, तो D2 है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना है, सो D1 इक्वल टू 2 मिलीमीटर, तो इससे आप लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ - 3 मीटर। D2 इज 1 मिलीमीटर, तो इससे आप लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ - 3 मीटर। इस तरह से आपको D1 और D2 मिलेगा, उसकी मदद से आप चार्ज को निकाल सकते हैं। देखिए अब हम जो सीखने वाले हैं, अभी तक हमने क्या सीखा, सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डेफिनेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम। अब हम चार्ज निकालना सीखेंगे कि पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है, और उसके बाद उन दोनों को यूज करते हुए हम चार्ज को निकालने के मेथड समझेंगे। देखिए कैपेसिटर को मेनली दो तरह से कनेक्ट किया जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो होता है वो मेनली दो तरह से किया जाता है, हालांकि इनफाइनाइट पॉसिबल कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, लेकिन सबसे दो बेसिक प्रॉब्लम है वो कॉम्बिनेशन दो है, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर कनेक्ट कर दिए जाए, ये आपके पास कैपेसिटर है, तो यहां नोटिस करना, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है अगर कैपेसिटर की सारी प्लेट पे इक्वल चार्ज हो तो इसे सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। जब कैपेसिटर की सारी प्लेट पर कौन सा चार्ज हो, इक्वल या अनइक्वल, इक्वल चार्ज हो तो इसे सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। देखो ये पॉजिटिव प्लस क्यू, इस प्लेट पर इंडक्शन माइनस क्यू, फिर से प्लस क्यू, फिर इस प्लेट पर इंडक्शन माइनस क्यू, यहां पर फिर से मिलेगा आपको प्लस क्यू और फिर से इधर मिलेगा आपको माइनस क्यू,
तो हर प्लेट पर प्लस माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड चेक करो, चार्ज का मैग्नीट्यूड हर जगह पे सेम आ रहा है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी वन, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी टू, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी थ्री। सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, ये हम कह सकते हैं। अब हमने यहां पर ये सीखा था, इसका कैपेसिटेंस सी वन, इसका कैपेसिटेंस सी टू, इसका कैपेसिटेंस सी थ्री, अगर इस तरह से कनेक्शन एस्टेब्लिश हो तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालने का तरीका सीरीज में वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री। बच्चों अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्ट होते थे तो आप क्या करते थे, n नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्ट होने पर 1 अपॉन सी वन, 1 अपॉन सी टू, 1 अपॉन सी थ्री डैश डैश 1 अपॉन सी एन, n नंबर ऑफ कैपेसिटर कहे जा सकते हैं। अच्छा अगर सभी इक्वल होते तो क्या होता था, सभी इक्वल होते तो समझना था, 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी कितने टाइम्स है, तो ये n टाइम्स है, थोड़ा समझने पर ध्यान देना। 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी कितना है, 2 बाय सी। 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी 3 होता था, कितना होता था, 3 बाय सी। अच्छा 4 टाइम्स होता था तो 4 बाय सी, 5 टाइम्स होता था तो 5 बाय सी, और अगर n टाइम्स होता था तो n बाय सी, तो सी एस इक्वल टू एन बाय सी, सो सी एस इक्वल टू सी बाय एन, ये आपके पास आ चुका है। सो सी एस इक्वल टू सी बाय एन, सीरीज में n नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं तो हम इस तरह से इसका वर्कआउट करते हैं। तो चलिए आपने अगर ये पहचानना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे दिखाना है तो आपको सीधे सीधा क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि अगर कॉम्बिनेशन में हर प्लेट पर चार्ज सेम आ रहा हो तो कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है, अदरवाइज वो सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं कहलाएगा। आइए पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, भाई मान लीजिए ये आपके पास एक प्लेट, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर और आपके पास तीसरा कैपेसिटर है, तो हम ये कह सकते हैं ये आपके पास वी सोर्स लगाया गया है, ये कैपेसिटेंस सी वन सी टू सी थ्री। अब देखो बेटा ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, समझना थोड़ा सा, ये 10 वोल्ट बैटरी ले लेता हूं मैं। भाई सेल हो या बैटरी हो, यहां पर सेल है, यहां पर ही हमने सेल कनेक्ट किया है, सेल का ये जो पोर्शन कहलाता है ये पोर्शन प्लस ये माइनस, तो इसे कहते हैं हायर पोटेंशियल, और इसे कहा जाता है लोअर पोटेंशियल। वापस समझिएगा, इसे कहा जाता है हायर पोटेंशियल पॉजिटिव, लोअर पोटेंशियल नेगेटिव। जब भी ऐसा हो कि लोअर पोटेंशियल हो तो आप उसे जीरो अज्यूम कीजिएगा, जीरो, क्योंकि दोनों के बैटरी या सेल दोनों के टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 है, डिफरेंस 10 है, तो अगर आपने इसको जीरो माना तो डिफरेंस 10 होगा, 10 है माइनस जीरो से, ये 10। देखो यहां से यहां तक कुछ भी कनेक्ट नहीं है। अब आप में से कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर यहां से यहां तक वायर तो कनेक्ट है, नहीं मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, ये तो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, बताने का तरीका है, पर देखो इसके बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, इसके बीच में कोई रजिस्टर नहीं है, यहां से यहां कोई इंडक्टर नहीं है, यहां से यहां कोई भी सर्किट एलिमेंट नहीं है। अब जब सर्किट एलिमेंट नहीं है और ऐसा कुछ बताया गया है तो जस्ट ये रिप्रेजेंटेशन है, यहां कुछ नहीं का मतलब है कि यहां पर कोई कंडक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कनेक्शन जो 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो यहां पर 10 होगा, यहां 10 होगा तो यहां 10 होगा, यहां 10 तो यहां 10 होगा, ये जीरो तो यहां से यहां तक जीरो, ये जीरो तो ये जीरो, ये जीरो तो देखो ये भी जीरो, ये 10, ये 10, ये 10, ये जीरो, तो ये आपके पास जीरो। अब चेक करना बच्चों, 10 माइनस जीरो तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 आया, वापस चेक करना 10 माइनस जीरो तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 आया, फिर से चेक करना 10 माइनस जीरो तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, 10 आया, 10। अगर तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है तो कौन सा कॉम्बिनेशन है आपके पास में, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच एलिमेंट इज सेम देन द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहां पर यह पैरेलल कॉम्बिनेशन है, मान लो बैटरी ने सप्लाई किया टोटल चार्ज क्यू, इसमें से चार्ज गया Q1, इसमें से चार्ज गया Q2, इसमें से चार्ज गया Q3, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में Q1 इक्वल टू C1 मल्टीप्लाई बाय V, Q2 इक्वल टू C2 मल्टीप्लाई बाय V, Q3 इक्वल टू C3 मल्टीप्लाई बाय V। यहां पर चार्ज निकालना हो तो इस तरह से निकाला जाएगा, व्हेन वी हैव टू फाइंड द चार्ज वी विल फाइंड लाइक दिस। और देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में
ये बात पक्की है कि आप देख रहे हो q इक्वल टू आ रहा है q1 प्लस q2 प्लस q3, q इक्वल टू आ रहा है q1 प्लस q2 प्लस q3। अब मैं इसका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन निकालना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इन तीनों को हटा दिया जाए, और मैं चाहता हूं इन तीनों को हटा दिया जाए और एक अकेला लगा दिया जाए। तीनों को हटा के एक अकेला लगाया तो उस अकेले का कैपेसिटेंस या वो अकेला वैसा ही इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए जैसा तीनों मिलकर कर रहे हैं। भाई वो अकेला वैसा ही इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए जैसा कि ये तीनों मिलकर कर रहे हैं। तो तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं? तीनों मिलकर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, चार्ज को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। तो वो अकेला वैसा ही इफेक्ट प्रोड्यूस करने को होना, तो मैं इन तीनों को हटाऊंगा, एक अकेला लगाऊंगा। अकेले को लगाया, उसको मैंने सीपी कह दिया। सीपी दैट मींस पैरेलल कॉम्बिनेशन में अवेलेबल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो मैं कह सकता हूं अभी भी टोटल चार्ज जो सप्लाई हुआ बैटरी द्वारा क्यू, क्यू इक्वल टू सीपी इंटू वी, ऐसे ऐसा कहा जा सकता है। सीपी वी, सी वन वी, सी टू वी, सी थ्री वी, वी कॉमन निकाल लिया, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, वी से वी कैंसल, सीपी पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएगा, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। तो जब थ्री कैपेसिटर आपस में कनेक्ट हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो कैपेसिटेंस आया C1 प्लस C2 प्लस C3। सोचो अगर n कैपेसिटेंस, n कैपेसिटर कनेक्ट होते थे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो n कैपेसिटर के कनेक्ट होने पर हम क्या करते थे? भाई n कैपेसिटर कनेक्ट होते थे तो आप लिखते थे C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 डैश 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 CN, n कैपेसिटर कनेक्ट होने पर। अब n कैपेसिटर कनेक्ट हो गए पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो आप देखो क्या लिखते थे, n इक्वल हो, इफ n आर इक्वल तो क्या होगा, cp, c प्लस सी टू होता था तो 2c, 3 होता था तो 3c, 4 होता था तो 4c, n टाइम्स c प्लस सी 2c, c प्लस सी 3c, 4 टाइम्स 4c, 5 टाइम्स 5c, तो n टाइम्स कितना होता था तो nc। लेकिन सीरीज में देखो क्या था, C बाय N। तो पैरेलल में कैपेसिटेंस बढ़ता है और सीरीज में कैपेसिटेंस कम होता है। तो जब भी हमें कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस बढ़ाने की जरूरत हो, जब भी हमें नेट कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस बढ़ाने की जरूरत हो, तो आपको क्या करना है? भाई बढ़ाने की जरूरत हो तो पैरेलल में कनेक्ट करना है, और कम करने की जरूरत हो कि नेट वैल्यू कम हो जाए, तो आपको इसे सीरीज में कनेक्ट करना है। अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि आखिर सीरीज पैरेलल पे बेस्ड प्रॉब्लम किस तरह से वर्कआउट होंगे। वेलकम स्टूडेंट, देखिए यहां पर हमें फिर से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, जिसमें देखिए पहला प्रॉब्लम कौन सा आपके पास में, फर्स्ट प्रॉब्लम, आपको 12 वोल्ट बैटरी कनेक्ट की गई है, 2 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इस तरह से कनेक्ट किए गए, आपको इन सब पर चार्ज निकालना है और इन सबका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। पहले समझिएगा, मैंने बताया था कि ये बैटरी का बड़ा वाला टर्मिनल दैट मींस पॉजिटिव, छोटे वाले को अगर मैंने जीरो अज्यूम कर लिया, तो देखिए इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 12 वोल्ट है, ये जीरो है तो इसे मानना पड़ेगा 12। अच्छा यहां से यहां तक कुछ नहीं है तो 12, इसमें भी कोई कनेक्शन नहीं है ये भी 12, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है ये भी 12, ये 12, यहां से यहां तक कुछ अवेलेबल है क्या? अरे भाई यहां से यहां तक कोई कैपेसिटर है क्या? नहीं है। यहां से यहां तक कोई इंडक्टर, रजिस्टर, कुछ भी कनेक्ट है क्या? अरे जब कुछ कनेक्ट ही नहीं है तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप करेगा ही नहीं, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करेगा तो ये 12, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो, तो देखो 12 माइनस जीरो तो 12 आता है, 12 माइनस जीरो ये भी 12 होता है, अब 12 माइनस जीरो ये 12 होता है, और अभी हमने डिस्कस किया था अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मैं मानता हूं यहां चार्ज गया मान लो Q1, ये है C1, यहां चार्ज गया मान लो Q2, ये आपके पास C2 है, यहां चार्ज गया Q3, ये आपके पास C3 है। तो आइए Q1 इक्वल टू C1V, Q2 इक्वल टू C2V और Q3 इक्वल टू आपके पास C3V अवेलेबल है। तो C1V, C1 कितना है तो चेक कीजिए, 2 माइक्रोफेरेड,
2 माइक्रो फैरेड मल्टीप्लाई बाय वी मतलब 12, तो ये आ गया आपके पास 24 माइक्रो कूलम। C2 मल्टीप्लाई बाय वी, तो C2 कितना है आपके पास में 4 माइक्रो फैरेड, तो ये आ गया 48 माइक्रो कूलम। अब आप चेक कीजिएगा Q3, C3 मल्टीप्लाई बाय वी, C3 कितना है आप चेक करें, C3 आपके पास में 6 माइक्रो फैरेड मल्टीप्लाई बाय 12, 72 माइक्रो कूलम, ये टोटल चार्ज है। और टोटल चार्ज निकालना हो तो क्या आएगा, C1 प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, सो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 आप टोटल ऐड कीजिए, 24 प्लस 48 प्लस 72, तो टोटल कितना हो जाता है, तो ये होता है 144 माइक्रो कूलम, ये टोटल हमारे पास में चार्ज की वैल्यू निकल कर आएगी। अब देखो तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीपी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसा लिखा जाता है। तो सीपी पहला C1 कितना है 2 माइक्रो फैरड, दूसरा कितना है, तो दूसरा आपके पास है 4 माइक्रो फैरड, और लास्ट कितना है तो 6 माइक्रो फैरड। तो देखो 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 6 आपके पास टोटल निकल कर आता है 12 माइक्रो फैरड, सो इसे कहा जाएगा 12 माइक्रो फैरड। तो हमने अभी यहां पर सीख लिया कि चार्ज कैसे निकाला जाए, पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से निकाला जाए, और नेट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड किया जाए। अब आइए एक और प्रॉब्लम को समझिए कि जो आपको बताया गया है कि यहां पर आपको कैपेसिटेंस गिवन है। देखो ये ऐसा कहा गया है कि आपको ये 6 माइक्रो फैरेड, ये 4 माइक्रो फैरेड, वापस से देखिएगा कॉम्बिनेशन में, यह है 6 माइक्रो फैरेड, कॉम्बिनेशन में बताया गया 4 माइक्रो फैरेड और यह बताया गया 6 माइक्रो फैरेड। अब हुआ क्या, 4 माइक्रो फैरेड 6 माइक्रो फैरेड, 4 माइक्रो फैरेड 6 माइक्रो फैरेड। अब यहां आपको ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है, तो भाई सबसे पहले आपको यह फाइंड करना होता है कि आपको कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस किन दो टर्मिनल के बीच में निकालना है। तो आपको यहां ए और बी के बीच में निकालना है, तो कभी कभी क्या होगा, बैटरी कनेक्ट होगी, सेल कनेक्ट होगा, और कभी कभी सेल और बैटरी दोनों कनेक्ट नहीं होगी। तो आप यहां देखो सेल और बैटरी कनेक्टेड है या नहीं है, तो यहां कनेक्ट नहीं है, तो हम अपनी मर्जी से कोई भी सेल कनेक्ट कर देते हैं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी ले लेते हैं, ये नेगेटिव है तो जीरो, ये पॉजिटिव है तो वी, ये जीरो ये जीरो तो ये भी जीरो। अब ये चेक कीजिए वी, तो ये वी। अब यहां नोटिस करो ये जो पॉइंट है, सपोज मैं इस पॉइंट को कहता हूं ए, ये पॉइंट है बी आपके पास में, मैं इसे सी कह देता हूं, चेक करना सी से इस पॉइंट के बीच में, यहां से यहां तक इस पॉइंट के बीच में कुछ एग्जिस्ट करता है क्या, तो यहां से यहां इस पॉइंट के बीच में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हमने इसे सी, जितना पोटेंशियल यहां होगा उतना ही पोटेंशियल यहां पर होगा। तो देखिए यहां पर क्या हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, सेंट्रल पॉइंट सी हो गया, इसके बाद में आखिरी में बी हो गया। ए और सी में चेक करो कितना है, तो ए और सी में आपके पास है 4 माइक्रो फैरेड, वापस चेक करो ए और सी में कितना है, तो आपके पास है 6 माइक्रो फैरेड, 4 माइक्रो फैरेड 6 माइक्रो फैरेड, फिर वापस ए और बी में चेक करो कितना है आपके पास में 4 माइक्रो फैरेड, और सी और बी में वापस चेक करो सी और बी में कितना है, तो 6 माइक्रो फैरेड। अच्छा आप बताइएगा ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं आपको, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है मतलब 6 और 4 डायरेक्टली 10 माइक्रो फैरेड, क्योंकि पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होगा 10 माइक्रो फैरेड। अब 10 और 10 ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इन दोनों का सॉल्यूशन 1/CS 1/10 प्लस 1/10 2/10 1/5 और 1/5 तो मतलब 5 माइक्रो फैरेड। अच्छा इसमें एक बात और सीखना, इसमें बात ऐसे सीखना कि जब इसको सॉल्व किया जाए सीरीज को, और सीरीज में कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर इक्वल हो, तो देखो 10 और 10 है तो आंसर डायरेक्ट हाफ आता है, तो 10 10 का आंसर डायरेक्ट हाफ आया 5, पर अगर मान लो है 20 20 होता तो भी इसका आंसर डायरेक्ट हाफ 10 आता। अच्छा ये 40 ये 40 तो बताओ आंसर क्या आता, ये 40 ये 40 तो आंसर आता आपके पास में 20। तो हमने ये प्रॉब्लम सीखा, अब आइए देखिए यही कनेक्शन इस तरह से भी बताया जा सकता है। आपको कहा गया है सेम कनेक्शन आपको रिपीट किया गया है नीचे, फोर माइक्रो फैरेड ये आपको हो गया है
4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड और ये 6 माइक्रोफेरेड। देखो ये कॉम्बिनेशन ऐसा कहा गया है, ये पॉइंट है आपके पास में और ये पॉइंट भी आपके पास में। तो देखो अभी हमने ऊपर के पूरे नेटवर्क को जब सॉल्व किया तो पूरे नेटवर्क को सॉल्व करके आंसर कितना आया था, तो पूरे नेटवर्क को ये जो अभी आपने सॉल्व किया है इसको सॉल्व करने पर आंसर मेरे पास में 5 माइक्रोफेरेड आया। तो मैं क्या करता हूं, 5 माइक्रोफेरेड आंसर आया तो मैं इसको लगा देता हूं 5 माइक्रोफेरेड। अब चेक करो वापस से नीचे पूरे नेटवर्क को सॉल्व करने पर आंसर क्या आया था, यहां पर पूरे सर्किट को सॉल्व करने पर आंसर 5 माइक्रोफेरेड आया था। अब आप चेक करके देखिए, ऊपर वाला 5, नीचे वाला 5, इसके पूरी जगह पर सॉल्व करके बताया लगाया 5, यहां पे लगाया 5। अब दोनों किस में दिख रहे हैं, तो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में होता है C1 प्लस C2, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 5 माइक्रोफेरेड प्लस 5 माइक्रोफेरेड, 5 प्लस 5 आपके पास कितना आता है, तो ये 10 माइक्रोफेरेड आता है सर, तो ये आंसर 10 माइक्रोफेरेड है। तो हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं उसमें डायरेक्टली देखकर यह पहचानना मुश्किल होता है कि कॉम्बिनेशन सीरीज है या पैरेलल है। तो आइए देखते हैं कि कॉम्बिनेशन सीरीज है या पैरेलल है, समझते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है ये 6 माइक्रोफेरेड 5 माइक्रोफेरेड, ये 10 वोल्ट। अब आपसे कहा गया है कि दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है और दोनों पे चार्ज निकालना है। तो वापस से मैंने कहा है कि अगर छोटे वाले को जीरो अज्यूम कीजिए तो बड़ा वाला प्लस 10, मतलब यहां पर 10 आ जाएगा, यहां 10 तो ये भी 10, ये 10 तो ये भी 10, यहां से आता कुछ नहीं, ये भी 10, ये भी 10 और आपके पास में ये पॉइंट भी 10 पे आ जाता है। अच्छा ये 0 पर तो ये पॉइंट 0 पर, तो आप चेक कीजिए 10 माइनस 0, तो 10 माइनस 0 कितना आया, 10 आया। वापस चेक करो 10 माइनस 0 तो 10 आया, मतलब दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। और अगर दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा भाई, जब दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो आइए पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, एक है 6 माइक्रोफेरेड दूसरा है 5 माइक्रोफेरेड, ये 10 वोल्ट और ये आपके पास में कितना वोल्ट है, 0। चार्ज इधर से गया, ये गया Q1, ये आ गया आपके पास में Q2, तो Q1 कितना है, तो C1 भी है। सो Q1 C1 कितना है आपके पास, 6 माइक्रोफेरेड मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज कितना है 10, तो ये आ गया 60 माइक्रोफेरेड। अच्छा Q2 कितना होगा, C2 मल्टीप्लाई बाय V, C2 चेक करो कितना है, तो ये 5 माइक्रोफेरेड मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ गया आपके पास में 50 माइक्रोफेरेड। तो टोटल आ गया आपके पास Q1 प्लस Q2, तो आप इसे कह सकते हैं 60 प्लस 50, आंसर विल बी 110 माइक्रो कूलम आएगा बेटा, यहाँ पर आज की यूनिट कूलम होती है, माइक्रो कूलम ये चार्ज आ गया। तो अगर आपको कैपेसिटेंस निकालना होता कि दोनों का रिजल्टेंट कितना निकलेगा, तो पैरेलल में डायरेक्ट एडिशन होता है, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं 6 माइक्रोफेरेड प्लस 5 माइक्रोफेरेड, इसे लिखा जा सकता है 11 माइक्रोफेरेड, तो 6 प्लस 5 दैट विल बी 11 माइक्रोफेरेड। तो इस तरह से हमने चार्ज और नेट कैपेसिटेंस को निकालना सीखा। देखिए अब एक और प्रॉब्लम जिसमें बताया गया है कि आपको चार्ज और कैपेसिटेंस दोनों की वैल्यू को निकालना है, उसे किस तरह से निकाला जाएगा। देखिए यहां पर कहा गया है, गौर कीजिएगा, यहां पर कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफेरेड 4 माइक्रोफेरेड 4 माइक्रोफेरेड। अब चेक करो यहां पर ध्यान से, ये 4 और 4 पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट एडिशन होता है, तो 4 और 4 को ऐड किया तो आंसर कितना होता है 8। अब चेक करो बेटा, ये 8 माइक्रोफेरेड और 8 माइक्रोफेरेड, 8 माइक्रोफेरेड 8 माइक्रोफेरेड, मान लो ये पॉजिटिव है प्लस तो यहां माइनस आया, फिर ये प्लस तो यहां माइनस आया, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन। और मैं बता चुका हूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सॉल्व करने का तरीका 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/CS विल बी
वन अपॉन एट प्लस वन अपॉन एट डेट विल बी टू अपॉन एट, तो सी एस विल बी आंसर 4 माइक्रोफेरेड. सो 4 माइक्रोफेरेड ये आपके पास में आंसर होता है. पर हमें 4 निकालना है तो Q इक्वल टू सी एस मल्टीप्लाई बाय वी. सी एस कितना है 4 माइक्रोफेरेड मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस कितना है तो 12. टोटल आता है 48 माइक्रोफेरेड माइक्रोकुलम. टोटल आता है 48 माइक्रोकुलम. तो हमारे पास में टोटल चार्ज आता है 48 माइक्रोकुलम. याद करो यहां से यहां तक था आपके पास में 4 माइक्रोफेरेड, वापस यहां से यहां तक आपके पास में था 4 माइक्रोफेरेड. यहां से चार्ज आया Q, ये Q1 और ये आपके पास Q2. अब चेक करो ध्यान से यहां पर ये 4 माइक्रोफेरेड 4 माइक्रोफेरेड चार्ज Q आया Q1 प्लस Q2. तो आप देखो Q इक्वल टू दिख रहा है Q1 प्लस Q2, ये 48 माइक्रोकुलम Q1 प्लस Q2. थोड़ा समझना ध्यान से, जब चार्ज आएगा तो डिवाइड होगा, डिवाइड क्या होगा 4 माइक्रोफेरेड 4 माइक्रोफेरेड में होगा. भाई दोनों पैरेलल में है, इस पर चार्ज 4 माइक्रोफेरेड 4 माइक्रोफेरेड. तो ये समझो कि अगर ये दो पाइप है और ये बड़ा पाइप है, दोनों की कैपेसिटी सेम है, तो इधर से जो पानी आएगा वो दोनों में इक्वल डिवाइड होगा, क्योंकि दोनों का साइज सेम है. और इक्वल डिवाइड होगा इसका मतलब Q1 और Q2 बेसिकली देखा जाए तो दोनों सेम है. तो 48 डिवाइड बाय 2, इसे Q1 48 डिवाइड बाय 2 क्या लिखा जाएगा 24 माइक्रोकुलम. मतलब इस 4 माइक्रोफेरेड 24 माइक्रोकुलम, इस 4 माइक्रोफेरेड में 24 माइक्रोकुलम. तो 24 प्लस 24 टोटल कितना हो गया तो 48 हो गया आपके पास में. तो इस तरह से हमने चार्ज को निकालना सीखा. देखिए यहां पर हमको फिर से एक क्वेश्चन समझना है. हमें 20 माइक्रोफेरेड 30 माइक्रोफेरेड 40 माइक्रोफेरेड तीनों दिए हुए हैं, 12 वोल्ट का कॉम्बिनेशन है. आपको निकालना इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन, और इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन निकालने के साथ साथ चार्ज निकालना है. तो पहले आप ये चेक करो कि आपको एक किस कॉम्बिनेशन में नजर आता है. देखो ये प्लस, ये जीरो आपके पास तो माइनस, ये प्लस तो यहां पर माइनस, ये प्लस फिर से माइनस, ये प्लस और ये माइनस. तो सेम पॉजिटिव सेम नेगेटिव, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू सीरीज कॉम्बिनेशन होता है. तो वन अपॉन सी एस सीरीज कॉम्बिनेशन में वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री. तो वन अपॉन सी एस कितना हो गया आपके पास 1/20, हाँ सीरीज में 1/30 प्लस 1/40. तो आइए समझिए ध्यान से, 1/CS तो आप 20 40 30, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं इसका LCM. 20 40 30 को जब आप सॉल्व करने जाएंगे 120 6 4 3, तो 1/CS दैट विल बिकम 13/120, CS that will become 120/13, और 120/13 से Q equal to CS multiply by V, 120 multiply by 13 multiply by V, और potential difference आप चेक करो कितना है, तो 120/13 multiply by 12, 1440/13, इससे divide करने से जो भी हमारा answer आता है, वो हमारे लिए charge की value होगी. यहाँ पर क्या कहा गया है, आपको 2 माइक्रोफेरेड के 3 कैपेसिटर सीरीज में और उनके 3 कॉम्बिनेशन पैरेलल में गिवन है. 60 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की गई इन दोनों के अक्रॉस, 60 वोल्ट 60 वोल्ट. तो आपको क्या करना है, 60 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करने के बाद आपको बताना है कि सिस्टम का नेट कैपेसिटेंस कितना होगा. दूसरा आपको यह बताना है कि हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा. तो आइए शुरू करते हैं कि आखिर किस तरह से इसका आंसर निकाला जाए. तो देखो 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड सीरीज में है, तो 1/CS 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो ये आ गया 3/2. तो CS आ गया आपके पास 2/3 माइक्रोफेरेड, मतलब ऊपर वाला हो गया आपके पास 2/3 माइक्रोफेरेड. फिर से देखिए ये क्या है आपके पास 2/3 माइक्रोफेरेड, और वापस देखिए आपके पास ये क्या है, तो ये है 2/3 माइक्रोफेरेड. अब ये सब तीनों के तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट एडिशन होगा C1 प्लस C2 प्लस C3. तो हम ये कह सकते हैं 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3, तो ये आ जाता है आपके पास में 6/3, दैट इज 2 माइक्रोफेरेड आंसर होता है इसका.
तो इस पूरे को सॉल्व करने पर आंसर जो मिलता है वो होगा 6 माइक्रोफेरेड। अब 6 माइक्रोफेरेड होने के बाद समझिए ध्यान से, अगर हमें हर जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं, यहां से यहां तक 60 वोल्ट कनेक्टेड 60 वोल्ट, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये जीरो तो ये प्लस 60, ये 60, ये 60 और ये 60, ये 60 तो देखिए यहां पे भी 60 आ जाएगा, यहां पे भी कुछ नहीं है तो 60 आ जाएगा, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो तो ये भी जीरो और ये जीरो तो ये भी जीरो होगा। तो देखो 60 माइनस जीरो 60 माइनस जीरो 60 60 माइनस जीरो 60 60 माइनस जीरो 60, मतलब हम ये कह सकते हैं कुल मिलाकर कि अगर हम ऐसा कह दें कि किसी एक ब्रांच के अक्रॉस भी बैटरी इस तरह से कनेक्ट है तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये जीरो, ये प्लस 60, ये जीरो, ये जीरो, 60 और ये आपके पास 60। तो देखो 60 माइनस जीरो 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड, यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस V1, ये V2 और ये V3, मैं सब मान लेता हूं, ठीक है। अब चार्ज की हम बात करें, अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो चार्ज निकालना पड़ेगा। अब चार्ज निकालना है तो टोटल चार्ज क्यू इक्वल टू टोटल कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। अब टोटल कॉम्बिनेशन कितना आया था आपके पास में, तो 2 माइक्रोफेरेड आया था, और वोल्टेज कितना था, तो 60 था, तो 120 माइक्रोकुलम चार्ज यहां से आ रहा है। अब देखो 120 माइक्रोकुलम चार्ज कितने पार्ट्स में टूटेगा, तो ये और ये और ये तीनों इक्वल है, तो 120 के 3 इक्वल पार्ट हुए, बोलिएगा 120 के 3 इक्वल पार्ट हुए तो बताइए कितना आया, 120 के 3 इक्वल पार्ट हुए तो ये आया 40 40 40, मतलब यहां पर आ रहा है 40 माइक्रोकुलम चार्ज प्लस माइनस, फिर से प्लस, फिर से माइनस, ये आपके पास प्लस और ये आपके पास माइनस। अब आइए Q इक्वल टू C1 V1, तो V1 इक्वल टू आप लिख सकते हैं Q/C1, V2 इक्वल टू Q/C2 और V3 इक्वल टू Q/C3। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जब हम बात कर रहे हैं 40 डिवाइड बाय 2 माइक्रोफेरेड, 40 डिवाइड बाय 2 तो ये आ जाता है 20 वोल्ट, फिर से 20 वोल्ट और फिर से 20 वोल्ट। थोड़ा समझने पे ध्यान देना, कैपेसिटेंस इक्वल है सीरीज कॉम्बिनेशन में C1 C2 C3, चार्ज सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है। देखो बेटा ध्यान से, चार्ज सेम है, कैपेसिटेंस की वैल्यू भी सेम हो गई, तो Q/C 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 तीनों सेम है, तो हम ये लिखते हैं कि टोटल 60 का जो सम था वो कितना था, V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर V1 V2 V3 तीनों सेम है, V1 V2 V3 तीनों सेम है, तो हम ये डायरेक्ट लिख सकते थे V1 प्लस V1 प्लस V1, दैट इज 3V1 इक्वल टू 60, तो V1 इक्वल टू 60 बाय 3, तो 60 बाय 3 को 20 वोल्ट लिख सकते हैं। मतलब हमने क्या सीखा कि भाई अगर सपोज 3 कैपेसिटर है, तीनों का कैपेसिटेंस सेम है, सीरीज में है, तो जो भी वोल्टेज आएगा वो डिवाइड बाय नंबर ऑफ कैपेसिटर होगा। देखो यहां पे 60 वोल्ट है, 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड, तो 60 डिवाइड बाय नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने, तो 3 है, 60 डिवाइड बाय 3 आंसर 20 आता है। अब इसका जवाब दीजिएगा जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये प्रॉब्लम अगर समझ में आया होगा तो डेफिनेटली इसका जवाब दीजिएगा। बात ऐसी है, अगर आपसे कहा गया कि आपको 4 कैपेसिटर गिवन है, 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड, और आपको 120 वोल्ट गिवन है, 120 वोल्ट, तो 120 वोल्ट इक्वल कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन, तो जितना टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो टोटल पोटेंशियल डिवाइड बाय नंबर ऑफ कैपेसिटर होगा, तो नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने टोटल बता दो मुझे, 120 डिवाइड बाय 4, तो आंसर आता है 30 वोल्ट, तो ये होगा आपके पास में हर कैपेसिटर के अक्रॉस 30 वोल्ट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। तो हम इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्या कहा गया है कि आपके पास में 2 कंडक्टर हैं, स्फेरिकल कंडक्टर, एक का रेडियस R1 है, दूसरे का रेडियस R2 है, दोनों का आपको कैपेसिटेंस बताना है, और बाद में जब दोनों को कॉमन वायर से कनेक्ट कर दें
तो कॉमन वायर से कनेक्ट करने पर नया कैपेसिटर सिस्टम का क्या होगा ये बताना है। देखो अगर आपके पास R1 रेडियस है, मान लो उस पर कोई चार्ज है, मुझे नहीं पता कौन सा चार्ज है, मैं मानता हूं क्यू वन है, तो क्यू वन इक्वल टू सी वन मल्टीप्लाई बाय वी से सी वन इक्वल टू क्यू वन अपॉन वी आ जाएगा। ऑन द सर्फेस पोटेंशियल कितना होगा, तो ऑन द सर्फेस पोटेंशियल 1/4πε0 क्यू वन अपॉन आर आ जाएगा। क्यू वन कैंसिल हो गया तो सी वन इक्वल टू आ गया 4πε0 आर वन। ठीक है, अब क्या हुआ, दूसरा वापस से रेडियस आर टू, चार्ज कितना दिया, तो चार्ज दिया आपने क्यू टू। अब जब चार्ज क्यू टू दिया तो क्यू टू इक्वल टू कितना आया, तो सी टू मल्टीप्लाई बाय वी, सी टू इक्वल टू कितना आया, क्यू टू डिवाइड बाय वी। अच्छा, किसी भी स्पेरिकल कंडक्टर के कारण सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है, 1/4πε0 क्यू टू बाय आर, क्यू टू कैंसल तो सी टू कितना आ गया, 4πε0 आर टू। अब चेक करना थोड़ा ध्यान से, दोनों का कैपेसिटेंस आ गए 4πε0 आर वन 4πε0 आर टू। अच्छा, जब दोनों को आपस में कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, भाई मान लो एक का पोटेंशियल 10 वोल्ट है और दूसरे का पोटेंशियल 15 वोल्ट है, तो हायर किसका पोटेंशियल हो गया 15 और लोअर किसका पोटेंशियल हो गया, तो 10 वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल फ्लो होंगे और तब तक फ्लो होते रहेंगे जब तक कि दोनों का पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए। मान लो दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो गया V और दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, वापस सुनना ध्यान से, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो सेम पोटेंशियल का मतलब होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये आंसर होगा C1+C2। तो 4πε0R1+4πε0R2 CP कॉमन निकल गया 4πε0 आता है आपके पास में R1+R2। तो इस तरह से हमने इसका सॉल्यूशन निकाला 4πε0R1+R2। अब आपको एक प्रॉब्लम और कहा गया है, देखो इस प्रॉब्लम में क्या कहा गया है, इस प्रॉब्लम में ऐसा बताया गया है कि यहां पर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है आपके पास, दोनों की कैपेसिटेंस दे रखी 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड, इनर सिलेंडर या इनर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, इनर पार्ट को आपने इस तरह से 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है, आउटर और इनर पार्ट को। देखो ये वाला छोटा वाला जीरो, ये जीरो मानता हूं तो ये जीरो हो जाएगा, बड़ा वाला प्लस 10 तो ये 10 मानता हूं, तो मतलब क्या हुआ 10 माइनस जीरो क्या हुआ 10, 10 माइनस जीरो क्या हुआ 10, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो C1+C2 कहा जा सकता है CP इक्वल टू 2.2 माइक्रोफेरेड प्लस 2.2 माइक्रोफेरेड, तो टोटल CP इक्वल टू आ जाता है आपके पास में 4.4 माइक्रोफेरेड और Q इक्वल टू लिखा जा सकता है CP मल्टीप्लाई बाय V, तो Q कैन बी रिटन CP दैट इज व्हाट 4.4 माइक्रोफेरेड और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो 10 वोल्ट है आपके पास में, सो Q इक्वल टू 44 माइक्रोकुलम चार्ज, तो 44 माइक्रोकुलम चार्ज हमारे पास में इस तरह से निकल कर आता है, तो दिस विल बी 44 माइक्रोकुलम चार्ज। पुरोहित एकेडमी मेन ब्रांच प्रभात चौक MJ कॉलेज रोड लोकमान्य हॉस्पिटल च्या बाजूला जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ बंधन बँकेशेजारी ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर जळगाव